बाबाश्याम से पूर्ण भाव के साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो को कृपया करके लास्ट तक जरूर देखिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबाश्याम को आप भजन कैसे सुनाएंगे? बाबाश्याम को भजन बहुत अच्छा लगता है। बाबाश्याम भजनों से बहुत प्रसन्न होते हैं। भजनों से बहुत सारे कलाकार रिझाते हैं बाबाश्याम को। आपने देखा होगा जो कीर्तन वगैरह होता है उसमें बाबाश्याम को वो लोग किस तरह से रिझाते हैं। इसी तरह से आप लोग अपने घर के मंदिर में हर दिन बाबाश्याम को दो लाइनें या तीन लाइनें जितना भी आपको आता है बाबाश्याम को भजनों से रिझाइए। बाबाश्याम आपको ज्योत में दर्शन देंगे, बाबाश्याम आपको सपने में दर्शन देंगे, बाबाश्याम के साक्षात दर्शन करेंगे और बाबाश्याम आपको रास्ता दिखाएंगे। आगे आपको अपनी लाइफ में क्या करना है ये बाबाश्याम आपको बताएंगे। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाबाश्याम के दर्शन आप कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे भजन गाना चाहिए। जैसे भी आपकी आवाज़ हो, चाहे सुरीली हो चाहे बेसुरीली हो, जैसी भी आवाज़ हो, आपको बाबाश्याम के भजनों को गाना चाहिए और बाबाश्याम को रिझाना चाहिए। तो चलिए बाबाश्याम को इन भजनों से रिझाते हैं। एक भजन गा रहा हूँ, जरूर सुनिएगा। वीडियो को बंद मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, जरूर सुनिएगा। बाबाश्याम की असीम कृपा होगी। बाबाश्याम की जब भी आप मंदिर जाते हो ना, तो बाबाश्याम के मंदिर में जाके बाबाश्याम से ये कह देना, जब आपका कोई साथी ना हो और आप अकेले हो ना, आपके साथ कोई और ना हो, हर जगह सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा हो ना कि आपको लाइफ में करना क्या है, आगे क्या होगा, आपके आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, कैसे चलेगी, तो उसके बारे में बाबाश्याम से कैसे बात करेंगे भजनों के माध्यम से, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको भजन गाकर दिखाता हूँ कि बाबाश्याम को कैसे रिझाना है भजनों के द्वारा। तो एक भजन मैं आपको बताता हूँ गाकर, उसके बाद आपको ये भजन को खुद गाना है, खुद बाबाश्याम को रिझाना है। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। इस भजन में हमने बाबाश्याम से ये बोला है कि हे बाबाश्याम, हमारा साथी कौन बनेगा, अगर आप नहीं सुनोगे हमारी बातें तो कौन सुनेगा, किसको हम अपनी बातें सुनाएंगे, किसको दिल की बातें सुनाएंगे। बाबाश्याम आप ही तो हो हमारे सब कुछ, तो हम आपको सुनाएंगे ना अपनी दिल की बात। हम बहुत तकलीफ में हैं बाबाश्याम, हम बहुत दुखी में हैं, हम हमारी बातों को सुन लीजिए बाबाश्याम। आगे क्या बोलना है बाबाश्याम से भजनों के माध्यम से, वो आप सुनिए। जब आप बाबाश्याम के दरबार पर चले जाते हैं, इतना कहने के बाद, उसके बाद जब बाबाश्याम के दर पर जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या कहना है बाबाश्याम से, वो कड़ी सुन लीजिए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। अब हमने इस भजन में ये कहा है, मैं आपके दरबार पे आ गया हूँ बाबाश्याम, आप मेरी बातों को सुन लीजिए बाबाश्याम, मेरी जिंदगी में जितने दुख हैं बाबाश्याम, उन सभी दुखों को आप दूर करिए बाबाश्याम। इस तरह से बाबाश्याम को अपने भाव के थ्रू मनाना है, भाव के थ्रू रिझाना है। आगे बाबाश्याम से क्या कहना है वो सुन लीजिए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, एक नजर कृपा की डालो मानूंगा एहसान, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो इस तरह से बाबाश्याम को दरबार पर जब आप पहुंच जाते हैं, बाबाश्याम को इस तरह से आप
बातें बोलते हैं, अपने मन से बातें बोलते हैं। तो देखिए ये जो भजन लिखी है, जिसने भी भजन लिखी है, जिस कलाकार ने भी ये भजन लिखी है, उसकी दिल की बात है, जो उसने अपने दिल की भाव को इस तरह से व्यक्त किया है। और यही व्यक्त, यही चीज आपके जीवन में भी हो रहा है, तो इसी भावना को आप इसी तरह से गाओगे, अपने घर के मंदिर में गाओगे। क्योंकि मंदिर में तो आप इस तरह से गाना चाहते हो तो मंदिर में भी गा सकते हो, परंतु अपने घर के मंदिर में आप अकेले बैठकर बाबा श्याम को इस तरह से इस भजन को गाकर आप देखिए, आपकी आंखों से जब आंसू टपकेंगे तो उस आंसू, वो जो आंसू होगा बाबा श्याम को समर्पित होगा, तो बाबा श्याम तक आपकी दिल की बात पहुंचेगी और बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक लाइन और इसके साथ मैं आपको एक और लाइन सुना देता हूं, जो बाबा श्याम की बातों को, बहुत दिल को छूने वाली बातें हैं, जो आपने सुनी भी होगी बहुत सारे सिंगरों के मुँह से। मैं कोई भजन सिंगर तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको अपने मुँह से ये बातें, मुँह से ये भजन को सुना देता हूँ। बाबा श्याम की बातें हैं, बाबा श्याम तक आपकी बातें पहुँचेंगी। हो सकता है ये भजनों की लाइनें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हों, जो आपकी ज़िंदगी में हलचल हो रहा है, जो आप तकलीफ में जी रहे हैं अभी, वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी ही बातों को इस भजनों के माध्यम से मैं बाबा श्याम तक पहुँचा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अर पड़ी है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मैं मानूंगा एहसान, साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, कौन सुनेगा बाबा श्याम, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरी बात। आप ही तो हो जिससे मैं अपनी दिल की बात करता हूँ, अपनी दिल की बातें बताता हूँ। ये लोग जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपको अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, मैं आपको भजनों से बता रहा हूँ बाबा श्याम, और ये लोग जो है बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी तकलीफ देखिए बाबा श्याम, मैं कितनी तकलीफ में हूँ बाबा श्याम। मैं आपके समक्ष बैठकर, आपके भक्तों के समक्ष बैठकर अपनी सारी बातें बोल रहा हूँ बाबा श्याम, अपने भजनों के थ्रू बोल रहा हूँ बाबा श्याम। मेरी बातों को सुनिए बाबा श्याम, हे मेरे बाबा श्याम, मैं मेरी बातों को सुनिए, मेरी बातों को सुनिए बाबा श्याम। मैं आपके दरबार में आया हूँ बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय मेरे बाबा श्याम, दया करो बाबा, कृपा करो बाबा श्याम, हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम।